नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मौसम की ताज़ा और नई अपडेट न्यूज में। जैसा कि हम आपको मौसम की ताज़ा और नई अपडेट से अवगत कराते रहते हैं, एक बार फिर तूफान बिफोर जो एक खतरनाक होता नजर आ रहा है। पहले यह पाकिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन अब वह गुजरात की ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तूफान पोरबंदर से फिलहाल दक्षिणी पश्चिम में 310 किलोमीटर दूरी पर है। इसके 14 व 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान है। इस तूफान को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई अलर्ट मीटिंग जारी की है, जिसके अधिकांश हिस्सों में 144 धारावी लगा दी गई है। तूफान के रूट बदलने के बाद SDRF की टीम ने गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं SDRF की 10 टीमें तैनात भी कर दी गई हैं। तूफान को विपर्जोय नाम बांग्लादेश ने दिया है, इसका मतलब विपत्ति या आपदा होता है। NDRF की 12 टीमें तैनात हो गई हैं, वहीं 15 से ज़्यादा टीमों को तैयार रहने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में NDRF की 2 टीमें भेज दी गई हैं, वहीं पहले से 3 टीम तैनात हैं। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिफिल टीम स्टेडियम पर रखा गया है। तूफान के असर को देखते हुए गुजरात के कच्छ, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, द्वारका, जाखो, जाफराबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कच्छ के जिले में धारा 144 लगा दी गई है। आज से 3 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। इस वक्त सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज तूफान को लेकर सामने आ रही है। वहीं दक्षिणी भारत तटीय कर्नाटक में आज और अगले 36 घंटों में केरल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के 14 जून को अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश और 15 जून को तूफानी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं 13 जून तक हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में अधिकांश हिस्सों में तेज़ भारी बारिश को देखते हुए ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर